नमस्कार दोस्तों, आप सभी को इस वीडियो में फिर से स्वागत है। और यदि आप इस चैनल पर पहली बार देख रहे हैं दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन को भी जरूर दबा दें दोस्तों। चलिए दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं कि सुबह हम लोग जल्दी कैसे उठ पाते हैं। सुबह उठने के लिए हम क्या क्या ऐसे काम करें दोस्तों, जिससे कि हमें सुबह उठ पाएँ, और हमें जो आलस सुबह उठने के लिए हमें जो आलस हमें सताते हैं दोस्तों, उससे हम कैसे छुटकारा पाएँ। तो इसी को बात करने के लिए दोस्तों, आज हम लोग कुछ ऐसे टिप्स की भी बात करेंगे, जिससे कि हम सुबह का जो आलस है दोस्तों, और सुबह कैसे या सुबह जल्दी कैसे उठते हैं, उससे हम छुटकारा पाएंगे। तो इसके लिए दोस्तों, यह वीडियो आपको अंत तक देखना होगा। यदि आप अंत तक देखेंगे दोस्तों, तो यह वीडियो कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी में काफ़ी बदलाव लाने की संभावना है दोस्तों। तो इस पे जब हम बात करते हैं दोस्तों, तो अब जो बात करते हैं दोस्तों कि आजकल हम एक नए ज़माने में जी रहे हैं दोस्तों। जब हम नए ज़माने में जीते हैं, तो हम क्या कर रहे हैं दोस्तों कि हम अपने मोबाइल में अलार्म लगा देते हैं, और सभी लोग ऐसा शायद करते हैं दोस्तों कि मोबाइल में अलार्म लगाते हैं। जब मोबाइल में अलार्म लगाते हैं दोस्तों, तो क्या होता है कि जब हम सोते हैं रात को, तो मोबाइल को जो होती है हमारे बेड से एक हाथ या दो हाथ, एक हाथ के अंदर रखे होते हैं दोस्तों, उसे हम कभी भी ले सकते हैं और देख सकते हैं, उसे फिर रख देते हैं दोस्तों टेबल पे अपने। लेकिन यह प्रक्रिया हमें गलत होती है दोस्तों, हमें उठने में कहीं ना कहीं काफ़ी हद तक नुकसान पहुंचा देती है। इस जैसे दोस्तों आप अलार्म लगाते होंगे और सुबह उठते होंगे, आप देखते होंगे कि मोबाइल में जो अलार्म उसे ऑफ कर देते होंगे, और फिर आप क्या करते हैं, सो जाते होंगे, और सो जाते होंगे तो आप कई घंटों के बाद उठते होंगे। और एक जो आपको जो अपने आप में कमिटमेंट किए थे, आपने अपने आप में वादा किए थे कि हम सुबह जल्दी उठेंगे, वो आपकी वादा क्या हो जाती है, टूट जाती है। इसके लिए क्या करना है दोस्तों, इसमें क्लिक करने के लिए कोई ज़्यादा मेहनत की जरूरत नहीं है दोस्तों, बस थोड़ा सा करना है दोस्तों, थोड़े से आसान काम है दोस्तों। यदि आसान काम कर लेते हैं दोस्तों, जो सुबह उठने का आदत हो दोस्तों, आप उससे चुटकी में कर सकते हैं दोस्तों। तो सुबह उठने के लिए जो पहली जो हम आपको टिप्स दे रहे हैं दोस्तों, वो क्या है कि आप कभी भी अपने मोबाइल में अलार्म ना लगाएं दोस्तों। मैंने पहले भी कहा दोस्तों कि हम सोते हैं तो क्या करते हैं, अलार्म लगाते हैं जो अपने बेड के पास में रखते हैं। जब हम अलार्म ही लगाते हैं, तो उस बेड के पास जाते हैं, उसे हम क्या करते हैं, ऑफ करके सो जाते हैं। इसलिए दोस्तों, मैं आपको फिर कहना चाहूँ कि मोबाइल को अपने अलार्म में कभी ना लगाएं, मोबाइल में अलार्म आप कभी ना लगाएं। जब मोबाइल में आप अलार्म लगाएं दोस्तों, को आपको कभी नहीं उठ सकते, क्योंकि आपको परेशानियां नहीं होती है दोस्तों। इसके लिए क्या करना है दोस्तों, दूसरा जो टिप्स है, आप मार्केट से एक तीखा घड़ी में अलार्म होता है दोस्तों, उसे आप खरीदें। वो ज़्यादा प्राइस के नहीं, तो दोस्तों वो मिनिमम भी प्राइस की होती है और मैक्सिमम प्राइस की होती है। अब जो आपको अच्छा लगे, वो 100 रुपये से शुरू होती है दोस्तों, आप उसे भी खरीद कर आप एक तीखे घड़ी का जो अलार्म होती है दोस्तों, आप उसे खरीद लें और उसे अपने बेड के पास कभी ना रखें। उसे रखना है दोस्तों 10 या 15 कदम की दूरी पर रखें। जब आप 15 कदम की दूरी पर रखेंगे दोस्तों, तो वो क्या होगी कि वो अलार्म को आप जब बजेगी, जब तीखा आवाज़ बजेगी, तो आपको एक झंझनाहट होगी, और जब झंझनाहट होगी दोस्तों, तो आप उस झंझनाहट को बंद करने के लिए क्या करेंगे, आप उठेंगे उठेंगे। जब उठेंगे दोस्तों, तो उसके लिए आपको 10 कदम बुलने की जरूरत पड़ती है, 10 या 15 कदम जो भी हो दोस्तों, आप जिस जगह पर रखें उसके अनुसार आपको बुलने की जरूरत होगी। जब उसे बंद करेंगे दोस्तों, जब बंद करते हैं, तो आप उस समय एक बात ध्यान रखें दोस्तों, कुछ समय में थोड़ी देर अपने आप को रोकना है, तुरंत बेड नहीं पकड़ना। उसके लिए उसी जगह जब जैसे हम अलार्म को बंद करें, उसके हम एक स्ट्रेच मुद्रा, आप जानते होंगे दोस्तों कि पैर होती है, पैर के जो उंगली होती है उसी पे खड़ा होकर और दोनों हाथ को ऊपर कर थोड़ी सी सांस लेनी है, और फिर उसे छोड़ते हुए सांस को फिर पैर को नीचे करते हैं दोस्तों। ये योगा है दोस्तों, यदि ये योगा आप 3, 4, 5, 6, 7, 8 बार कर देते हैं दोस्तों, तो ये आपकी योगा है जो क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। और योगा जब खत्म हो जाएगी दोस्तों, तो आपकी बहुत सा जो आपका जो एनर्जी स्लो मोशन में, जब सुबह उठते हैं दोस्तों, हमें जो हमारा जो शरीर है वो स्लो मोशन में काम करते हैं, वो आपको हाई मोशन में काम करने लगेगी। इसके साथ ही दोस्तों, आप उसके बाद क्या कर सकते हैं, आप 2-3 गिलास पानी पी सकते हैं दोस्तों। यदि आप 2-3 गिलास पानी अपने बगल में रखें, यदि पानी पी लेते हैं दोस्तों, तो आपका जो एनर्जी है दोस्तों, वो कहीं ना कहीं दुगनी हो जाती है दोस्तों। यदि यह 3 काम आप कर लेते हैं, 4 काम दोस्तों, तो आपकी जो सुबह का दिनचर्या दोस्तों, जो सुबह का नए उमंग के साथ उठने का, जो अपने नए दिन की शुरुआत करने की जो अपनी ज़िंदगी में सोचा है दोस्तों, वो आपको पूरा हो जाएगी। चलिए दोस्तों, बस आज का वीडियो बस इतना है, फिर एक नए वीडियो के साथ मिलते हैं। और इस वीडियो में आपको जो भी बताया दोस्तों, मैं अपने आप पे किया हुआ यह वीडियो है, आपकी कहीं भी कोई फॉल्ट नहीं होगी, मुझे विश्वास है कि यह वीडियो आप सभी को काफ़ी हद तक आपकी मदद करेगी। धन्यवाद आप सभी।